Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो kindly इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा डांस ट्यूटोरियल्स एंड एंटरटेनमेंट होता है. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही फायदा है. अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपका तो स्वागत ही है गाइस. आपको वेलकम 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 बैक टू माई चैनल गाइस. तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज जो मैं कर रही हूँ वो है सेमी क्लासिकल फॉर्म. इस ट्यूटोरियल की तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड थी यार, मेरे ढोलना सुन. इस वीडियो को तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, तो इस पे ट्यूटोरियल देना तो बनता ही है. मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, मतलब कि मेरे को टाइम मिले तो मैं आपके लिए बनाऊँ, क्योंकि इसका जो ट्यूटोरियल है ना वो बहुत ही लंबा जाने वाला है. 3.5 मिनट की वीडियो तो आप सोच सकते हो, तो ट्यूटोरियल तो कितना ही लंबा जाएगा. तो मैं इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है. ये पार्ट 1 है और अगला पार्ट 2 आएगा, तो ठीक है. बट शूट तो मैं आज ही कर लूंगी यार, दो दो बार कौन शूट करता है, ठीक है. तो आज ही मैं आपके लिए अभी पार्ट 1 डाल रही हूँ. आप लोग इंजॉय करो, सीखो और मेरे को शेयर करना. प्लस ये वीडियो मिरर्ड है. मिरर्ड का मतलब कि वीडियो को मैंने फ्लिप कर दिया. मीन्स अगर ये मेरी राइट साइड है तो आप राइट ही समझ के करना, ठीक है, और ये लेफ्ट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, आपने अपने ड्रेस को होल्ड करना है ऐसे, ठीक है. अब अपने फुट स्टेप्स देखो कैसे चलाने हैं. 1, 2, 3, 4 पे आपने पूरा पैर नहीं लगाना नीचे, जस्ट आपने टोज को ऐसे टच करना है, ठीक है. हमें अब जो फोर्थ वाला काउंट था ना, वही पैर अंदर आएगा और उसी को 1 काउंट करना है, ठीक है. देखो यहाँ पे बाहर था, अब यहीं से 1, 2, 3 and 4, ठीक है. अब इसको लिटिल बिट फास्ट करना है और टोज के ऊपर करना है, ठीक है. पूरा से पैर नहीं चलाना, टोज के ऊपर आ जाओ. इसको फास्ट करें, 1, 2, 3, 4. और हाँ, एक चीज और, जब आप 4 करोगे ना तो आपका जो पैर है ना ये पूरा नीचे लग जाएगा, क्योंकि इस पे वेट आ जाएगा और फोर्थ वाला पैर है जो वो ऐसे हल्का सा बाहर जाएगा, ठीक है. अगर आप टोज पे रहोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी ऐसे खड़े होने में और आप हिलते रहोगे. तो आपने जस्ट 3 काउंट्स पे टोज पे करना है, फोर्थ पे पैर अंदर रखना है, दूसरा बाहर आना है. फिर से करें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 1, 2, 3, 4 विद म्यूजिक. ओके, तो नेक्स्ट लाइन है, आपने देखो 3 फिंगर्स को ऐसे रखना है, फोर्थ को ऐसे गोल बना देना है, ठीक है. सेम इसी हैंड से अब एल्बोस को ऐसे बेंड करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में, और अपने चेस्ट के सामने रखना है ऐसे. ये पोजीशन है, ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, देखो 1, 2, ठीक है. 1, 2 हुआ, जब आप 1, 2 करोगे तो आपका पैर भी चलेगा साथ में. अब जिस साइड हम हैंड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो आपका पैर ऐसे टैप करेगा. 1, 2. अब 3 कैसे करना है, 3 का देखो, ये ना क्लासिकल में सर्कल होता है, मे बी आपने देखा ही होगा. अगर नहीं देखा तो आप देखो कैसे करना है. दोनों हैंड्स को ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, ये जो आपकी रिस्ट है ना यहाँ पे ज्वाइन किया. अब एक हैंड को नीचे से घुमाना है, देखो ध्यान से ऐसे, ठीक है. एक वो पीछे से घूमेगा एंड अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा. फिर से देखो स्लो मोशन में, 1 and done. ग्रेट. देखो अब आपने जो ये सर्कल बनाना है इसको आप लिटिल बिट फास्ट करो ऐसे, एक ही झटके में करना है, लाइक दिस. 1, 2, 3, 4 साथ में करो, 5, 6, 7, 8. ग्रेट. अब आपने 1, 2 किया था ना, 1, 2. अब 3 पे आपने हल्की सी जंप लेनी है, जंप ऐसे भी नहीं कि पूरा लेना है, जस्ट आपने अपने टोज के ऊपर ऐसे पूरा आ जाना है, ठीक है. जब आप 3 करोगे ये सर्कल करना है तो हल्का सा बाउंस करना है, 3, और आपकी जो फेस है वो ऊपर की साइड ही देखेगा अपनी हैंड की तरफ ऐसे, ठीक है. फिर से करें, 1, 2, 3. अब आपने लेना है पलटा. पलटा कैसे लेते हैं, आपको जो एक हैंड है वो ऐसे रहेगा, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग पोजीशन बनाई थी, और आपको दूसरा हैंड इसके नीचे जाएगा.
जब हैंड नीचे जाएगा तो आपका जो उल्टा पैर है ना, उल्टी साइड का, वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब आपने फोर काउंट में उल्टी साइड घूमना है, पलटा उसी को कहते हैं क्योंकि हमें उल्टा घूमना है, पलटा लेना है, ठीक है, ठीक है, करें 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4। ये मैंने आपको बहुत स्लो करके दिखाया है ताकि आप सीख जाओ, बट इसको आपने फास्ट करना है, ठीक है, कैसे, 1 2 3 4। जरूरी नहीं है कि आप एक एक पैर को टैप टैप करो, अगर आपने 1 2 भी किया तो आप ट्विस्ट कर लो, बिकॉज जब आप फास्ट करोगे तो आपसे ना 1 2 वाले पैर जल्दी नहीं चलेंगे, तो आपके पैर ऑटोमेटिकली ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब करें 1 2 3। अब इसको सिर्फ 4 काउंट करेंगे, 4, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने लेना है सेमी क्लासिकल में ना सर्कल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चक्कर, हम चक्कर लेंगे अब, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आपने ऑलवेज अपनी लेफ्ट साइड से ही चक्कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप राइट लोगे तो वो उल्टा ही ऐसे बन जाएगा, बट हमने लेना है लेफ्ट साइड से, ठीक है, कैसे, एक हैंड पीछे की तरफ खोलता है, एक आगे की तरफ खोलता है, ठीक है। अब राइट पैर आपने रखना है आगे क्योंकि हमने घूमना है, ठीक है, ऐसे खोला, ठीक है, बॉडी को हल्का सा टिल्ट कर दिया पीछे की तरफ, जब हैंड खुल जाएंगे, ठीक है, तो आपने अब राउंड लेना है और हैंड्स को ऐसे बंद करना है, फिर से देखो 1 2। चलो यहाँ तक हम काउंट के साथ करते हैं, फिर म्यूजिक के साथ करेंगे, ठीक है, 1 2 3 पलटा एंड एक चक्कर, ठीक है, विद म्यूजिक। तो अब नेक्स्ट है, आपने देखो सेम हैंड बनाने हैं, सेम, ठीक है। अब इसी हैंड को ऊपर लेके जाना है, जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आपकी एक हैंड की एल्बो ऐसे हाफ मुड़ जाएगी 90 डिग्री पे और एक फुल, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब देखो पहले हैंड ऊपर जाएगा, सेम हैंड ऐसे घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, अब ये वाला हैंड मुड़ जाएगा और ये सीधा आ जाएगा, फिर से देखो 1 2। अब इसी के साथ फुट स्टेप्स क्या करने हैं, अब देखो पैर ध्यान से, आपने राइट पैर यहाँ पे रखना है, ठीक है, लेफ्ट के आगे, और लेफ्ट पैर फिर खोल देना है, हैंड्स के साथ करें 1 2। और एक बात और, जब आप हैंड्स जहां पे भी हैंड्स लेके जाने हैं, ठीक है, वहीं पे आपकी जो नेक है उसी साइड जाएगी, ये एक मेन पॉइंट है सेमी क्लासिकल या कथक या व्हाटएवर, ठीक है, तो आपने जहां जहां आपने हैंड लेके जाना है उसी साइड अपनी नेक, ओके। तो अब देखो हैंड ऊपर जाएगा तो नेक ऊपर, हैंड नीचे आया तो नेक नीचे, ठीक है। अब यहां से पैर आपको पता लग गया, अब आपने लिटिल बिट जंप के साथ करना है, कैसे, 1 2, ठीक है। यहां से आपका जो एक हैंड है, जो आपका हैंड नीचे की तरफ है, ठीक है, वो आएगा ऊपर, ऊपर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अभी हैंड ऐसे है, ठीक है, यहां से हल्का सा ऐसे अदा के साथ आएगा पीछे की तरफ और हैंड उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सिर के ऊपर आएगा, फिर से देखो कैसे, 1 2, ठीक है। और हाँ एक बात और, जब आप हैंड ऊपर लेके आओगे तो आपका जो लेग है, ठीक है, वो हैंड के बराबर में ही ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, राइट लेग के ऐसे, ठीक है, आपकी नेक ऐसे जाएगी जहां पे आपका हैंड गया, ठीक है, फिर से करें 1 2 3, फैंटास्टिक। अब यहां से आपने देखो आपकी जो पीछे वाली लेग है, ठीक है, उसको आपने लेके आना है आगे ऐसे। अब आगे क्यों लेके आए, जब हम किसी दूसरी लेग के आगे लेके आते हैं तो हमने सर्कल लेना होता है, ठीक है, तो हम आगे लेके आए तो हमने सर्कल लेना है। अब 1 2 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहां से हैंड आएगा नीचे बहुत ही पोलाइटली, ठीक है, यहां से घूमना है और यहाँ पे स्टॉप, फिर से करें 1 2 3 4, ग्रेट। अब यहां से राइट हैंड जाएगा ऊपर 1, अब चेंज 2, ठीक है, अब
वापस आएगा पर नीचे की तरफ। फिर से देखना है, 1 2 3। फुट स्टेप्स क्या करने हैं, जहां पे आपके हैंड गया है उस साइड टैप करना है, 1 2 3। थ्री पे देखो ध्यान से, जो हमने स्टार्टिंग में लेग किया था वही सेम लेग ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, आपकी नेक भी नीचे की तरफ, ठीक है, 1 2 3। यहां से आपने करना है, देखो आपका जो ये राइट हैंड है ना वो दो बार घूमेगा ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ पे अभी यार 1 2, ठीक है। अब 1 2 करोगे तो आपने जाना भी उसी साइड है टैप टैप करके, पैर देखो कैसे करने हैं, 1 2। अब वापस उधर जाओ, 3 4। पैर कैसे पता कैसे करें हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है, जस्ट एक पैर आगे जाएगा पीछे उसके दूसरा आएगा, फिर आगे जाएगा फिर उसके पीछे आएगा, जस्ट उसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। हैंड करें और दो बार ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ, 1 2। अभी ये हैंड ऊपर ही रहेगा, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड जाएगा ऊपर सेम वैसे 1 2 करके, 1 2, ठीक है। अब यहां से राइट लेग को रखो आगे, ठीक है, दोनों हैंड ऊपर है, उसको नीचे लेके आने हमने, दोनों हैंड को नीचे लेके आना है, ऐसे सर्कल की तरह जैसे खुलता है सेम वैसे नीचे आएगा, आपने लेफ्ट साइड से घूमना है और स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप करोगे तो आपने 3 बार अपने शोल्डर को राउंड घुमाना है, 1 2 3, ठीक है। फिर से करते हैं, अब हम करते हैं स्टार्टिंग यहाँ से, ठीक है, जो हमने अभी जंप किया था, 1 2 3 राउंड, देन 1 2 3, 1 2 3 4 राउंड एंड 1 2 3, ग्रेट, विद म्यूजिक। नेक्स्ट अब आपने ले लिया है 6 चक्कर, ठीक है, एक साथ लेना है। अब कैसे लेना है, पहला चक्कर तो आपने अभी सीखा था ये वाला, ठीक है, 1। अब जो दूसरा चक्कर है उसमें हैंड्स की कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट हैंड ऐसे, 2 1 2, ठीक है। जब आपने 1 2 करना है एक साथ करना है और 6 चक्कर एक साथ लेने हैं, कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड स्टॉप, ठीक है। जैसे आपने 6th लिया तो आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा लेफ्ट हैंड से और एक टैप करना है राइट पैर से और स्टॉप करना है खुद को। जब हम लास्ट टैप करते हैं तो उसमें हम अपने बॉडी को एकदम से चक्कर के बाद रोकते हैं, ठीक है। अब इस चक्कर में ना जब हम बहुत फास्ट चक्कर लेंगे ना तो आप ना बार बार ऐसे पैर को आगे नहीं रख पाओगे, ऐसे बार बार ऐसे नहीं रख पाओगे, तो इसकी एक ट्रिक है, आपने पता क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट पैर की हील से घूमना है, ठीक है, कैसे, 1 2 3, ठीक है। आपका जो राइट पैर है ना वो हल्का सा ऊपर आ जाएगा जब आप हील पे घूमोगे लेफ्ट पैर की, ध्यान से देखना, 1। और आपने अपनी बॉडी को रोकना कैसे है, आपकी राइट पैर जो आपके राइट पैर की हील है वो एकदम से ऐसे नीचे बजेगी, ठीक है, ऐसे जोर से नहीं मारना, जस्ट हल्का सा ऐसे अपन खुद को रोकना है, क्योंकि जब हम चक्कर लेते हैं तो हम वापस सेंटर में क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, क्योंकि जब हम चक्कर लेते हैं तो हम एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। आपने कोई भी एक चीज को लाइक अगर हमारे सामने ऑडियंस बैठी है तो हमने अपने ऑडियंस को ही एक सेंटर पॉइंट बना लिया कि हमने वहीं पे आगे रुकना है, ठीक है, यही है चक्कर का, चक्कर लेने की ट्रिक, ग्रेट। तो अब भी हम करते हैं म्यूजिक के साथ स्टार्ट। तो अब हमारे सॉन्ग का मेन स्टैंजा शुरू होता है, मींस वर्डिंग स्टार्ट होती है। तो वर्डिंग है, मेरे डोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, ठीक है, यही लाइन दो बार रिपीट होगी,
और दोनों बार हमने डिफरेंट स्टेप किया, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे खत्म किया था लास्ट, ठीक है। यहाँ से आपने से चेंज करनी पोजीशन राइट की तरफ, ठीक है। राइट पैर निकल जाएगा ऐसे बाहर और आपका जो वेट है वो लेफ्ट पैर पे आ जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट अपने ड्रेस को होल्ड कर लो या ऐसे पीछे हैंड रख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैंने तो ऐसे ड्रेस होल्ड किया था, तो आपने अब राइट हैंड को ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड से आपने अंदर की तरफ सर्कल बनाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आया हैंड, अब हैंड ऐसे सीधा हो जाएगा और यहाँ से सर्कल बनाना है और ऊपर जाना है, ठीक है। इसमें वर्डिंग है मेरे, जस्ट मेरे। अब यहाँ से आपने दोनों हैंड से सर्कल बनाना है लेफ्ट साइड की तरफ, कैसे, ऐसे उल्टा ऊपर की तरफ, ठीक है। पहला हमने एक हैंड से बनाया था नीचे, अब ऊपर दोनों हैंड से, ठीक है। पैर चेंज हो जाएंगे, पहले हमने यहां से किया था मेरे ढोलना, देखो राइट पैर आगे था तो राइट पैर पीछे चला गया, ठीक है। और हैंड पीछे की तरफ, हल्की से बॉडी भी टिल्ट हो जाएगी पीछे की तरफ, ऐसे सर्कल लिया, अब आपका राइट पैर खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। जब आपका पैर खुलेगा तो आपने हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ पैर को ऐसे उठा लेना है, ठीक है। जैसे अभी हमने राइट की साइड उठाया था, सेम अब लेफ्ट की साइड, ठीक है। अभी वर्डिंग थी मेरे ढोलना, ठीक है। दोनों हैंड आगे आगे, अब लेफ्ट हैंड जाएगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। राइट हैंड आएगा लेफ्ट से आपके कान के पास, क्योंकि वर्डिंग है मेरे ढोलना सुन, ठीक है। सुन फिर आपने जस्ट पहले अपनी बॉडी को ऐसे रखना है, ठीक है। जब बॉडी यहाँ पे आएगी, जब वो बोलेगा ना प्रॉपर सुन, तो आपने लेफ्ट की तरफ देखना और लेफ्ट हैंड सीधा हो जाएगा ऐसे, क्लियर। फिर से करें, यहाँ पे था मेरे ढोलना सुन, ठीक है। मेरे ढोलना सुन। अब नेक्स्ट वर्डिंग है मेरे प्यार की धुन, ठीक है। वो अपने ढोलना, लाइक एक लड़की है, वो अपने अपने लवर को बोल रही है मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन। देखो अब आपका पैर और हैंड कुछ इस तरह से है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड को नीचे लेके आना है, लेफ्ट हैंड से आपने पीछे की तरफ सर्कल बनाना है ऐसे, वन वापस, टू वापस, ठीक है। सर्कल कैसे बनाओगे, आपने हैंड को ऐसे सीधा करना है, जब आपका हैंड वापस आएगा तो हैंड उल्टा हो जाएगा जैसे पोजीशन है, ठीक है। फिर इधर से टू, ठीक है। अब आपने सर्कल लेना है लेफ्ट साइड से, मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार। अब हमने ऐसे सर्कल लेना है लेफ्ट साइड से, जस्ट नॉर्मली, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे अभी आपने मेरे ढोलना पे ऐसे किया था, ठीक है, इसमें आपने पैर पीछे लेके गए थे, बट इसमें जस्ट आपने जब सर्कल लोगे राइट पैर आगे आएगा, ऐसे सर्कल लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड ऐसे स्टॉप पोजिशन में और राइट लेग ऐसे, अब राइट हैंड यहाँ से उठेगा, ठीक है। ऐसे क्यों वाले हैंड बनाने आपने, क्यों बड़ी ग्रेसफुली ऐसे लेके आना है और यहाँ पे स्टॉप। देखो अब आपने पैर ऐसे रखी है, बट आपका जो लेफ्ट लेग है वो हल्का सा आपने बेंड करना है। जब आप बेंड करोगे तो आप बहुत ही ग्रेसफुली आ पाओगे ऐसे और एक पोजीशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब फिर से करें, यहाँ पे मेरे ढोलना सुन, ठीक है, मेरे प्यार की धुन, मेरे प्यार की धुन। अब लास्ट में वो एक बार फिर से बोलेगी मेरे ढोलना सुन। अब यहाँ पे खत्म हुआ, आपने जस्ट राइट हैंड को रखना है आपने हार्ट पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड को रखना है अपने कमर पे, ठीक है, ऐसे। जब आपने ऐसे रख लिया हैंड, तो तीन सर्कल लेने हैं एक साथ, वन टू थ्री। अब राइट लेग को लेके जाओ ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है,
बॉडी हल्की सी हमने 45 डिग्री पे ऐसे घुमा देनी है एंड दोनों हैंड ऐसे कान के पास और एक झटका देना है, जस्ट अपनी अपर बॉडी को एक झटका देना है, सुन, ठीक है, शोल्डर को जस्ट ऐसे उठाना है, आगे की तरफ लेके आना है और पीछे, सुन, ठीक है, काउंट के साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4, फैंटास्टिक, अब म्यूजिक के साथ करते हैं, ठीक है? मेरे ढोल ना ओके, सो बेसिकली हमारा स्टेप जो है लास्ट यहाँ पे फिनिश हुआ था वर्डिंग, ठीक है, तो अब आएगी बीट, ठीक है, बीट के ऊपर क्या करना है, यहाँ से आपने हैंड को ओपन करना है राइट की तरफ और देखना भी राइट की तरफ है, ठीक है, राइट पर ऐसे निकल जाएगा। नाउ अब आपने तीन सर्कल लेने हैं, हैंड बंद करने हैं, ठीक है, तीन सर्कल लेने हैं एक साथ, 1, 2, 3 एंड फिर से खोलना है, ठीक है, देन अगेन बंद, फिर तीन सर्कल, ऐसे सेम ऐसे करके आपने तीन बार करना है, ठीक है, काउंट के साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4 अगेन 1, 2, 3, 4 अगेन 1, 2, 3, 4 एंड जो लास्ट वाला खोलना है वो मतलब टू थ्री सेकेंड्स के लिए उसको जस्ट एक अदा के साथ खोल के रखना है, ठीक है, विद म्यूजिक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपने अपने लेफ्ट साइड से अपने ड्रेस को होल्ड करना है, ठीक है, और राइट हैंड से आपने देखो बाहर लेके जाना हैंड को एंड फिर ईयर के पीछे, और जब आप हैंड को लेके जाओगे तो आपका जो हैंड है वो इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। अब देखो अपने लेग को भी साथ में लेके जाना है, आउट इन आउट इन, तीन बार करना है ऐसे, ठीक है, फिर से करते हैं, 1, 2, 3 अब आपने 3 किया, इसके बाद अब आपने अपनी राइट लेग को ऐसे टच करना है और जब आप टच करोगे तो आपका जो उल्टा हैंड है ना वो ऐसे टच करेगा, फिर से देखो 1, ठीक है, अब आपने जाना है पीछे की तरफ टर्न लेके और हैंड रहेंगे ऐसे, टच किया फिर टर्न लिया, अब आपने भाग के जाना है पीछे की तरफ, ठीक है, 1, 2, 3 एंड ऐसे राउंड लेके सीधी हो जाना है, अगेन यहां से करती है 1, 2, 3 टच एंड टर्न फिर रन, देन सर्कल लेके आपने ड्रेस को होल्ड कर लिया ऐसे, फिर से और सुन वाला स्टेप, ये आपने स्टेप पहले भी किया था ना सुन, ठीक है, जस्ट ऐसे यहां से हैंड लेके आना है और कान के पास रखना है और सुन, ठीक है, विद म्यूजिक। मेरे ढोल देखो पोजीशन ऐसे है, हल्का सा डाउन गए, राइट साइड से सर्कल लेना है, राइट हैंड से अप एंड डाउन, अब वापस आना है तो इस हैंड से डाउन फिर वापस, अब पैर ध्यान से देखो कैसे होंगे, जस्ट आपने पैर को ट्विस्ट करना है, ठीक है, कैसे, हल्का सा डाउन ट्विस्ट डाउन ट्विस्ट करके वापस, ओके, इसको हम लिटिल बिट फास्ट करेंगे, कैसे, 1, 2 अब यहां से आपने एक चक्कर लेना है, 1 चक्कर तो आपको पता ही कैसे लेना है, एड़ी पे लेना है, ठीक है, एक चक्कर लिया, अब जो बाकी दो चक्कर है ना, टोटल 3 चक्कर लेने हैं, बाकी दो चक्कर होंगे इस पोजीशन में, दोनों हैंड ओपन, 1, 2 ठीक है, अब यहां से आपका जो राइट हैंड है वो जाएगा कमर पे, लेफ्ट हैंड जाएगा आपके कान के ऊपर बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यहां पे
और आपने ये जो पोजीशन करनी है वो करनी है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। आपका पैर भी पीछे चला जाएगा ऐसे, और आपकी हल्की सी बॉडी अप की तरफ जाएगी, ठीक है। देखो फिर से करते हैं, पलटा, फिर सीधे हुए, फिर एक चक्कर लिया, फिर दो चक्कर हाथ खोल के लिए, देन पोजीशन, ठीक है, विद म्यूजिक। मेरे ढोलना सुन। नेक्स्ट, अब जो हमारी लाइन है, मेरी चाहते भी फिजा में बहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी लास्ट पोजीशन है ये वाली, यहाँ से आपने अपना लेफ्ट हैंड उल्टा करना है, राइट हैंड ऐसे, मतलब ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। अब आपने लेना है राइट साइड से दो चक्कर, कैसे, 1 2, ठीक है। अब आपने बैठ जाना है अपने नी के ऊपर, लेफ्ट नी नीचे, राइट नी ऐसे। नाउ आपने करना है उल्टा स्विमिंग, जैसे ये स्विम होता है, बट आपने हैंड्स ऐसे उल्टे लेके जाने हैं और शोल्डर को भी ऐसे गोल गोल घुमाना है, ठीक है। करते हैं, 4 times करना है, 1 2 3 4, क्लियर। फिर से करें, तो ये जो है अभी हमने किया है मेरी चाहते तो, जस्ट यहाँ तक, 1 2 बैठा, फिर उल्टा चक्कर ऐसे घुमाया। अब आप ये उठ रहे हैं तो देखो, हैंड को ऐसे करके चक्कर लेना लेफ्ट साइड से, 1 2, यहाँ पे स्टॉप हुए। नाउ नेक्स्ट है, मेरी चाहते भी फिजा में बहेंगी। अब जो बहेंगी है मतलब ये पानी और बहेंगी कनेक्टेड है, तो हमने पानी जैसे स्टेप बनाना है ऐसे, हैंड्स को करने हैं वेव, ठीक है। एक हैंड ऊपर जाएगा तो दूसरा हैंड नीचे। अब इसको करना कैसे है, आपकी जो राइट लेग है वो बाहर जाएगी और आपका वेट जो है ना वो लेफ्ट नी के ऊपर आएगा डाउन। यहां से वेव बनाते बनाते आपने जाना है दूसरी साइड, और पोजीशन लेग की भी चेंज हो जाएगी साथ में, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं स्टार्टिंग से, यहां से घूमने वाला स्टार्ट, 1 2 डाउन, 1 2 3 4, चक्कर लिया उल्टा, देन 1 2 3 4 विद म्यूजिक। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी। तो नेक्स्ट लाइन है, जिंदा रहेंगी होके फना। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ लास्ट स्टेप, यहाँ से आपने दोनों हैंड को ऐसे ज्वाइन करना है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपने करना है लेफ्ट साइड की तरफ और राइट पैर जाएगा लेफ्ट के पीछे। देखो कैसे, 1, अब आपने सीधे होना है तो राइट हैंड देखो उल्टा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आएगा, कैसे, उल्टा ऊपर गया तो डाउन आएगा, तो ऐसे, ठीक है। फिर से करते हैं, 1 टच किया, देन उल्टा हैंड ऊपर गया, सीधा नीचे आया। अब आपने भागना है थोड़ा सा, मतलब 2-3 स्टेप्स लेने आगे की तरफ, एक पैर से जंप करना है लाइक दिस, आगे गए, ठीक है। यहाँ से आपने 2 राउंड लेने हैं लेफ्ट साइड से, पोजीशन यही रहेगी, ड्रेस को होल्ड किया, हैंड ऐसे ओपन है, 1 2, 2 राउंड लिए, ठीक है। इसके बाद अब आएगा फना। फना वर्ड पे आपने क्या करना है, दोनों हैंड ऐसे फोरहेड के ऊपर और ऐसे छोड़ देना। इसको करना है आपने लेफ्ट साइड से, देखो कैसे, राइट लेग ऐसे खुली रहेगी, जब आप फना करोगे हैंड खोलोगे तो आपकी जो गर्दन है वो दूसरी साइड चली जाएगी, कैसे, फना, मतलब बहुत ही ग्रेसफुली करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब करते हैं यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट, 1 2 run, then दो सर्कल, 1 2 and fun break with music। तो next step है, यहाँ पे wordings खत्म हो जाएंगी और सुर आ जाएंगे, ठीक है, beats जिसको हम बोलते हैं। तो तना ननतोम, इस पे करना है, देखो आपने हैंड को ऐसे इस पोजीशन में रखना है, हैंड
उल्टा ऊपर जाएगा, सीधा नीचे आएगा, जो अभी किया था स्टेप लास्ट में वही वाला, ठीक है? उल्टा ऊपर, सीधा नीचे और ओपन। सेम इसी हैंड से जब हैंड ये वापस आएगा तो सेम इधर से उल्टा ऊपर, सीधा नीचे, ओपन। ऐसे ही करते करते आपने चार बार करना है, ठीक है? और पैर कैसे चलने हैं, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं चलाए थे 1 2 3 4 वाले, वही सेम पैर चलेंगे बट लिटिल बिट फास्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाले, ठीक है? करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? यहां तक आया। नाउ एक हैंड से उल्टा ऐसे मतलब इस पोजीशन में रहेगा और दूसरा हैंड जाएगा ऊपर की तरफ। देखो हैंड जाएगा ऐसे बट जब वहां पे पहुंचेगा तो सीधा हो जाएगा, ठीक है? फिर से करें। 1 2 down 3 and 4, ठीक है? चारों साइड जाएगा हैंड ऐसे क्रॉस क्रॉस करके। अगेन 1 2 3 4 और एक चक्कर लो एंड स्टॉप, ठीक है? तो यही था। अब हम करते हैं म्यूजिक के साथ। तो माय लवली पीपल, आई होप मैंने आपको बहुत इजीली सिखाया हो। तो यही था पार्ट वन। पार्ट वन को अब हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो बाकी के स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट टू में। तब तक आप यही वाला सीखो, और अगर आपने अच्छे से सीखा तो काइंडली मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ एक चीज़ और कि ये क्लासिकल डांस सिखाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो पे। अगर ना फेस टू फेस हो तो बहुत इजीली सिखाया जाता है, तो बट मैंने अपनी तरफ से पूरी 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 कोशिश की है कि मैं आपको इजीली सिखा पाऊँ। तो वीडियो को करते हैं एंड। टिल देन बाय गाइस, लव यू ऑल।